लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू रिकॉर्ड में मुख्तलिफ उनवानात के तहत रजिस्टर्ड अराजी के लोगों को तकसीम करने के हुकूमती इकदाम पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। इंतजामिया दही गरीबों का जरिया माश तबाह करने पर पूरी तरह से अंधाधुंध अमल का आगाज कर रही है। इंतजामिया झूठा प्रोपेगेंडा कर रही कि जमीन तरक्याती मकासद के लिए हासिल की जा रही, लेकिन हकायक इसके दावों के बरअक्स हैं। ये बदकिस्मती की बात है कि हुकूमत ने कचहरे शमिलात वगैरह के नाम से रजिस्टर्ड अराजी को गरीबों और खारिज करने के लिए अपनी तमाम मशीनरी को मुतहरिक कर दिया है। हुकूमत के हालिया हुक्म के बाद जो लोग इस ज़मीन से दूर रह रहे हैं वो खुद को एक बंधन में फंसा चुके हैं। स्टेट का जो वाइस प्रेसिडेंट बनाया, आज मुबारकबाद पेश करते हैं सबको हमारी पार्टी की तरफ से, और काफ़ी लोग हमारी पार्टी में ज्वाइन हुए, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से हुए, बारामूला से हुए, कुपवाड़ा से हुए। तो मेन मुद्दा हमारा था कि एक आज हमने अपनी पार्टी की पूरी कमेटी 11 मेंबरी कमेटी की लिस्ट आउट कर रहे हैं, वो भी लिस्ट हमने तैयार कर दी यहाँ पे, और कुछ लोगों को ज्वाइन करवाया। और हम ये चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के हमारे हालात बने हुए हैं उस हालात पे हम गौर करना चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर के लोगों को बोलते हैं कि इस मिशन में आप लोग आइए आगे, कि जैसे हमारी स्टेट को तोड़ दिया गया, हमारी यूटी बना दी गई जम्मू कश्मीर को, हमारा जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वो महाराजा हरि सिंह की देन थी, उनकी स्टेट थी। आज इसके मालिक बहुत से लोग जाग रहे हैं, जो हकूक लोगों का बनता है 50 साल 60 साल 100 साल लोगों को बैठे हुए हैं, आज उनको निकालने का काम किया जा रहा है, आज उनकी ज़मीनें छीनने का काम किया जा रहा है। लिहाजा हमारी लोग इनकी पार्टी यही रिक्वेस्ट करेगी, चिराग साहब से करते हैं, मोदी साहब से करते हैं, कि जम्मू कश्मीर के जो हालात बना रहे हो ऐसे नहीं होने चाहिए, आज हर एक को जीने का। वैसे चीफ स्पोक्स पर्सन लोक जनशक्ति पार्टी, गवर्नर जम्मू कश्मीर से मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि जितने भी गरीब गुरबा लोगों ने, चाहे वो सरकारी लैंड है, चाहे वो गाशराई लैंड है, चाहे वो और कोई लैंड है, उस पर मकाना तामीर किए हैं, उनको वो जगह अलाट की जाए, उसके अवज़ में जो फीस गवर्नमेंट चाहे उनसे वो ली जाए और मिसमारी से उनको बचाया जाए। दूसरी बात है, अगर गवर्नमेंट ने सही में ये कदम उठाया है कि हमें सरकारी लैंड, गाशराई लैंड या दूसरी लैंड ये खाली करवानी है, पहले ये निशानदेही करें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं।